नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्मी अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आप देख सकते हैं CUFS 31 घास की ये ऊंचाई करीबन हमारे बंदे की जो हाइट है अभी ये 5.5 फीट के लगभग है। और आप पूरी ऊंचाई अगर देख सकते हो तो 10 फीट हाइट अभी बनी हुई है और अभी भी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ। ये कटिंग चल रही है अभी देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और उसके बाजू में मतलब 4-5 दिन पहले जो कटिंग हुई थी ये देखिए कितनी मतलब तेजी से बढ़ता है। और अगर देख सकते हैं आप तो जहाँ पर कटाई हुई है तो एक जगह अगर कटाई हुई तो उससे 3 अलग अलग ब्रांचेस निकल के आई है, 1, 2 और 3। मतलब अगले टाइम हर कटाई के बाद अगले टाइम जो भी फोडर प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो कुछ किसान भाइयों ने पूछा था कि भाई इसका बुआई किस तरह से करते हैं, तो अभी सिंपली अगर ये दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखते हैं हम लोग तो ये 3 फीट का डिस्टेंस है। और ये दो पौधों के बीच में मतलब जो दो जगह CUFS के जो बीज डाले हुए ये 1 से 1.5 फीट की लंबाई पे डाले, मतलब पकड़ लो आप 3 फीट बाय 1 फीट या 3 फीट बाय 1.5 फीट इस तरह से हमने CUFS 31 की बुआई की हुई है। ये बहुत ही अच्छा फोडर है, हाइट और चारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और देखिए आप कितना साफ है, बीच में कोई घास नहीं हुआ है, खरपतवार नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है उस कारण ये नीचे सूर्य की किरणों को पहुंचने ही नहीं देता है, इस कारण बीच में कोई भी खरपतवार नहीं बनती है। थोड़ा बहुत बनता है उसको आपको निकाल लेना है, तो ये नेचुरल खरपतवार को भी कंट्रोल करता है उसके अंदर के, सूरज के कारण अच्छे से नहीं दिख रहा, देख सकते हैं आप हाइट इसके अंदर भी कितनी लंबाई है उसकी। तो ये बेस्ट फूडर है गाय भैंस या बैल के लिए या बकरी या आपके पास में रही भेड़, सभी के लिए बहुत ही अच्छा चारा है।